चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम जो कि प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान की यूनिवर्सिटी में पहले छापेमारी की गई, जौहर यूनिवर्सिटी में जहां पर 2500 किताबें जो है आलिया जो मदरसा है उसकी मुहर के साथ मिली है। यह इल्जाम लगाया गया था कि दरअसल ये किताबें जो है आलिया मदरसे से चुराई गई है, और उसके बाद ये बड़ी खबर आई थी कि अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया। 25 जुलाई को भी उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, और वो एफआईआर ये थी कि पासपोर्ट को जो उन्होंने बनवाना था उसके एवज में उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, और उसके बाद आज सरकारी काम में हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है।